बैठक में आदरणीय लालू जी भी थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी थे, श्री तेजस्वी यादव जी भी थे, तो बैठक के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना तो कोई जरूरी नहीं है, बैठक में सब लोग थे। ये नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक जो है वो दिल्ली में हुई, उसके बाद बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो लालू यादव नजर आते हैं, न तेजस्वी यादव नजर आते हैं, न ही नीतीश कुमार नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी होंगे। न आपके नेता नजर आए, न तेजस्वी यादव नजर आए, न लालू, न नीतीश, क्या मतलब ये क्या है? बैठक में आदरणीय लालू जी भी थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी थे, श्री तेजस्वी यादव जी भी थे, तो बैठक के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना तो कोई जरूरी नहीं है, बैठक में सब लोग थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया गया, ये ऐलान हो गया कि गैर भाजपा तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर 22 तारीख को हल्ला बोलेंगे। जो सांसदों का निलंबन हुआ है, ये भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है वो सभी दलों ने मिलकर के लिया। ये चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई, 28 दल के नेता इसमें शामिल हुए। ये मुहिम की शुरुआत विपक्षी एकजुटता की तो बिहार से हुई ना, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव, आज वो रंग ला रहा है, इससे खुशी की बात और क्या होगी? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आया, इसलिए सवाल खड़े हो, कहीं नाराज तो नहीं होकर निकल गए? ये सब चीज़ों को लेकर के, ये सब आप लोगों को खबर बनाना है, आप लोगों को जो करना है, मीडिया में तमाम तरह की बातें चलती रहती है, इससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, एकजुट है, और 24 में भाजपा की विदाई, भाजपा का सफाया इंडिया गठबंधन के द्वारा होगा। मतलब कि ये जो बैठक हुई उसको आप सफल मानते हैं? बहुत बड़ी सफलता है, चौथी बैठक हुई। इस बैठक में कई निर्णय हुए, सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान हुआ, और जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर के भी हुआ कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में, ये तो सब चीज़ सकारात्मक सफलतापूर्वक हो रही है। भाजपा की घबराहट बौखलाहट तो दिख ही रही है, और बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल देख रहे हैं, संविधान को, लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, जब संसद भवन की सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार, वहाँ जब चूक हो रही है उसका जवाब नहीं दे रही है, सवाल पूछने पर सांसदों को निलंबित करना भी, ये काला अध्याय कौन सा सरकार चल रहा है? ये तानाशाही, हिटलर शाही जब नहीं चली तो ये मोदी जी की भी हिटलर शाही। एक सवाल है, बैठक के बाद BJP का बयान आता है, BJP कह रही है कि आप लोग बैठक करते रह जाइएगा और तब तक उनके उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी हो जाएगा, BJP को उठा बैठक करा देंगे। अब कौन फेरा में BJP वाले पड़े हैं? सनवाज हुसैन कहते भिंडी अलायंस है। अब देखिए वो क्या कहेंगे, हम लोगों को तो तरस आती है। भला बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी का, रमन सिंह जी का, वसुंधरा राजे जी का क्या हल कर दिया? BJP के भी कई नेताओं को अंदर डर सता रहा है, वो कुछ भी बोले, लेकिन सबको पता है कि अब BJP का बोरिया बिस्तर दिल्ली से, केंद्र की सत्ता से समेट जा रहा है, इसलिए ये सब बोलने से और BJP के कुछ भी प्रतिक्रिया देने पर हम कोई इस पर अपना प्रतिक्रिया देने वाले नहीं हैं। ये देश देख रहा है, जनता ने जब ताल ठोक लिया लोकतंत्र में तो बड़े से बड़े सत्ता को उखाड़ फेंका है। एक आखिरी सवाल, देखिए आप बहुत कॉन्फिडेंट से बोल रहे, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं विपक्ष का जो रवैया है ना, वो विपक्ष ही बनकर रह जाएगा हमेशा के लिए, एक कॉन्फिडेंट उधर भी दिख रहा है जब वो बोल रहे हैं। देखिए इतने दिनों तक BJP क्या थी, विपक्ष में थी ना, अभी तो जितना शासन इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी है उतना तो अभी BJP ने देश की सत्ता में शासन नहीं किया है, लेकिन इनका अहंकार सातवें आसमान पर है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर पहुंचा देती, जनता अहंकार चकनाचूर कर देगी, और ये सोच रहे हैं कि सब दिन विपक्ष में रह जाएंगे, हम देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सत्ता का मजा ले रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि जो आज नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब परेशान है
वो आपको 2024 में सूद और ब्याज के साथ बदला लेने के लिए तैयार है। चलिए थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।